कानपुर में आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमले का मामला निकल करके सामने आया है। आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप है कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने जबरन उन पर हमला बोल दिया। हमारे साथ कानपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष मिश्रा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशीष जी, ऐसा क्या भ्रष्टाचार आप उजागर कर रहे थे जो आप पे हमला हो गया? मैं पिछले कुछ दिनों से केडीए के भ्रष्टाचार के पीछे पड़ा हुआ था। केडीए का एक सिस्टम चल रहा है, अवैध निर्माण कराना, अवैध खंड बनवाना, उसके बाद उसको बेच देना और उसमें वाद डलवा देना। बाद में सीधे सीधे ये कहते हैं कि वाद के नाम पे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और सालों मुकदमा चलता रहता है और अवैध बने हुए भवन या पूरे पूरे अपार्टमेंट बिक जाते हैं। जानकारी आपने क्या मांगी? हमारे घर के ही पीछे एक मकान नंबर L60 है, वो अवैध बना हुआ है। उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही पारित था, लेकिन उस पर सेकेंड फ्लोर, बेसमेंट और थर्ड फ्लोर भी बना था। मैं उसको करीब एक साल से उस पर RTI में ये मांगने की कोशिश कर रहा था कि इसका नक्शा और इसकी स्वीकृति क्या क्या है। किस विभाग से आपने मांगा था? KDA से। लेकिन उन्होंने इस पूरी रणनीति के तहत इस मामले को लंबित करते रहे। आपकी जो जानकारी मांगी गई थी उस पर कोई जवाब आया? कई अपील के बाद आखिर उन्होंने नक्शा भेजा और उन्होंने लिखित तौर पे दिया कि इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पारित है, मतलब इलीगल है। हाँ, उन्होंने ये मान लिया कि उसमें सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर उनके नक्शे में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो उन लोगों के नाम नोटिस जारी करते रहे जो लोग उस बिल्डिंग में या उनका कहीं नाम उस मामले से है ही नहीं। ये हमला कहाँ से हो गया? इस बिल्डिंग में ही रहने वाले एक अराजक तत्व हैं, हिमांशु सिंगल नाम है, और उनकी पत्नी है आकांक्षा। ये अपने आप को फर्जी PCS अधिकारी हैं, ये अपने आप को PCS अधिकारी बताती हैं। कुल मिला के ये फर्जी हैं, जो कि RTI में साबित हुआ कि ये PCS अधिकारी नहीं है, क्योंकि इनका थर्ड फ्लोर पे है और KDA की नोटिस जा रहे थे जिस पे इनका ये कहना था। ये कई बार हमारे पास धमकाने भी आए थे। इसका मतलब KDA ने हमारी सारी चिट्ठियों को सार्वजनिक करा। आप ये कह रहे हैं कि कानपुर विकास प्राधिकरण से आपने जानकारी मांगी और जानकारी मांगने के बाद शिकायतकर्ता की जो जानकारी है यानी आपकी जानकारी उनको दे दी गई? अरे बिल्कुल दे दी गई। उन्होंने घर आके सीधे सीधे धमकाया और साथ साथ ये भी कहा कि आपने जो KDA में चिट्ठी दी है उसकी सारी जानकारी हमको है, अगर आप चिट्ठियाँ रोक देंगे तो KDA में हमारी बात हो गई है, हम इस मामले को यहीं रफा दफा कर देंगे। आपने रोका? मैं क्यों रोकने वाला हूँ? मैं भ्रष्टाचार के को ख़त्म करने के लिए पिछले 20 सालों से लगा हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। देख रहे हैं आपके चोट भी लगी है। हाँ, एक्चुअली वो मारने के उद्देश्य से ही आए थे। दोपहर में 2 बजे इस हद तक आए थे कि उन्होंने कोशिश ये की थी कि अकेला होऊंगा और जान से मारने का। उन्होंने देखिए किस तरह से हमें मारने की कोशिश की थी, मुझे और मेरी पत्नी को। सर पे भी काफ़ी चोटें हैं, बैक में भी काफ़ी चोटें हैं। आपने FIR करवाई है? हाँ, FIR कराई है। उसमें 4 धाराओं में FIR हुई है, लेकिन इनको जमानत अगले दिन मिल गई है। पुलिस ने कोई गंभीर धाराओं में नहीं लगाई थी, हमने तो ये कहा था 307 लगानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरा प्रयास किया था। अगर क्षेत्रीय लोग और सांसद जी के स्टाफ नहीं आता तो शायद वो मुझे जान से मार देते। कानपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों से आपने सवाल किया कि ऐसा क्यों किया गया, नियम के विरुद्ध जाकर के आपकी जानकारी को लीक कर दिया गया? नहीं, मैंने अब उनसे कुछ नहीं कहा है। मैंने सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को ईमेल कर दी है, जिसमें FIR की कॉपी, अपनी एप्लीकेशन, अखबारों की सारी कटिंग सब भेज दी है, जिसका वहाँ से जो कंप्लेंट थी वो दर्ज हो गई, उसका एक नंबर मुझे अलॉट कर दिया। इससे पहले आज तक आपने तमाम RTI मांगी होंगी, क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर KDA को ये लग रहा है कि अब ये KDA के मामले में शायद, क्योंकि मैंने काफ़ी इनके मकान पकड़े हैं जो आवासी पे दर्ज थे लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, किसी का भू उपयोग परिवर्तन नहीं करा गया। KDA को शायद लगने लगा कि ये RTI एक्टिविस्ट अब इनके लिए आगे बड़ा खतरा बन जाएगा और इनकी कमाई पर बाधा बनेगा, तो उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने का प्रयास किया। तो कानपुर विकास प्राधिकरण पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कानपुर के RTI एक्टिविस्ट आशीष मिश्रा ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि RTI लगातार वो लगा रहे थे, भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था उसे अगर करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के चलते जिनके खिलाफ शिकायत की गई और कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला करवा दिया। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।